ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। क्या अरविंद केजरीवाल जब रिश्वत ले रहे थे तो उन्होंने कपिल मिश्रा को फोन करके बुलाया कि आओ आओ देखो भाई मैं रिश्वत ले रहा हूं, तुम देखो आके कौन सी 500 की नोट है, कौन सी 2000 की नोट है, आकर नोट गिनो यहां पर बैठ के। यानी कपिल मिश्रा को निमंत्रण पत्र देकर केजरीवाल जी ने अपने घर पे बुलाया और उसके बाद उन्होंने रिश्वत ली उनके सामने। पहला तो सवाल ये अपने आप में उठता है। दूसरा मैं पूछ रहा हूं कि कपिल मिश्रा अगर मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो कोई चोरी छुपे काम तो किया नहीं था उन्होंने, मुख्यमंत्री के घर पे गए थे। क्या ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट होटल में मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री के घर पे गए थे। तो भैया कम से कम ये तो बता दो, सुबह गए थे, शाम को गए थे, दोपहर में गए थे, रात में गए थे, टाइम क्या है वो टाइम तो बता दो। टाइम बताने के लिए तैयार नहीं है। किस रिश्तेदार की जमीन की डील हो रही थी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब मंत्री पद जाने की बौखलाहट के कारण अनाप शनाप और निराधार बेबुनियाद आरोप कपिल मिश्रा के द्वारा लगाया जा रहा है।